तिलक गरम दल के थे, तो वो बिना परमिशन के ही स्टेज पर चढ़ जाते हैं और कहीं से एक जूता उड़ कर आता है और प्रेसिडेंट घोष और सुरेंद्र नाथ को लगता है। और 1930 में कांग्रेस ने स्वराज मतलब कि सेल्फ रूल डिक्लेयर कर भी दिया था। पटेल से कुर्सी छीनना एक साजिश था और डेमोक्रेसी पर पहला हमला था। अब पार्टी में भी सिर्फ वही हो रहा था जो इंदिरा गांधी चाहती थी। अब कुछ लोगों के हिसाब से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास पीएमओ से भी ज्यादा पावर आ चुकी। केसरी मीटिंग में पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि दो रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो चुके हैं। केसरी खुद को बाथरूम में लॉक कर लेते। इस छीना झपटी में उनकी धोती तक खुल गई थी। कई स्टेट में अपनी गवर्नमेंट तक नहीं बचा पाए। टोटल 177 एमपीज और एमएलएज कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने भारत में 60 सालों तक राज किया है, आज भले ही ये कुछ सीटों तक सीमित रह गए, लेकिन यही पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। भारत की आजादी में इस पार्टी का कंट्रीब्यूशन और आजादी के बाद देश की डेमोक्रेसी पर जो इसकी छाप पड़ी है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक चाल थी, जिसे अंग्रेजों ने वायलेंट स्ट्रगल से बचने के लिए शुरू किया था, और लोग कहते हैं कि इनकी वजह से आजादी भी भारत में डिले हो गई थी। कांग्रेस saw itself as a non-seditious pro-British organization and they would go to huge lengths to prove their loyal character. कुछ लोगों के लिए आज कांग्रेस irrelevant है, जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस देश में अगर विकल्प बनाना है तो अब बस कांग्रेस की तरफ देखना बंद कर दीजिए। लेकिन आज भी भारत की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जो बीजेपी के अगेंस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के उभरती है। हालांकि आए दिन हम न्यूज में कांग्रेस के हाई प्रोफाइल एग्जिट की खबर सुनते रहते हैं। When you look at the number of people who've left in UP, Jitin Prasada left, Lalitesh Tripathi left. Separately, you've had exits in Goa, Luzino Ferrero, Sushmita Deb has left, Jyotiraditya Scindia left before that. Isn't there a problem of being able to retain talent in the party? जबकि एक टाइम पर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे पॉपुलर फेस नेहरू, पटेल, बोस, ये सारे ही लोग कांग्रेस में ही थे। बल्कि पिछले 70 सालों में ज्यादातर पार्टीज जो बनी हैं, वो कांग्रेस से ही निकल के आई हैं। खुद बीजेपी के कई सारे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर कांग्रेस से ही इंपोर्टेड हैं। और आज वही लीडर कांग्रेस के हाई कमांड कल्चर और उसकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर सवाल उठाते हैं। I always found him playing with his dog instead of giving attention to the people surrounding him. So how many MLAs do we have in UP now? You know? And I was like, sir, 7, you know? And he threw his head back and laughed. And I was like, he doesn't know. He doesn't know and he's laughing. कांग्रेस पर हमारे कई बड़े revolutionaries और leaders को sideline करने के भी allegation लगते हैं। Members of the Bose family, including my father, Amyonath Bose, were kept under surveillance for more than a couple of decades. News debate में भी एक साइड कांग्रेस को देश की नींव रखने और भारत के नए इंस्टीट्यूशन बनाने का क्रेडिट देती है, वहीं दूसरी साइड उन्हें इमरजेंसी और चाइना वॉर याद दिलवा देती है। और कुछ लोगों का मानना है कि ये वो कांग्रेस है ही नहीं जिसने हमें आजादी दिलवाई थी, ये तो बस एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए बोलती है और कास्ट पॉलिटिक्स से आज के भारत को डिवाइड करने की कोशिश करती है। दुख की बात ये है कि आपकी सहानुभूति मुस्लिम समाज के साथ नजर नहीं आती है। कट्टरपंथी मुस्लिम ताकतों के आगे नतमस्तक होती नजर आती है। तो इन कंट्रोवर्सीज के सेंटर यानी कि कांग्रेस पार्टी यहां तक ये कैसे पहुंची, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका फ्यूचर कैसे दिखता है, ये सारा कुछ आप आज के वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। ध्यान से बस देखते रहिए। कांग्रेस पार्टी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1885 को और इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। आई नो ये थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन इसे एक अंग्रेज क्यों स्टार्ट करता है, इस कॉन्टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 1857 में भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोध होता है। 58 में ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करती है और ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो ले लेती है। ऐसा करने का रीजन था 1857 का रिबेलियन, जो हुआ पूरे भारत में था, लेकिन ब्रिटिशर्स इसे सिर्फ एक म्यूटिनी कहते हैं ताकि ये लगे कि कुछ ऑफिसर्स ने ही विरोध किया होगा, लेकिन एक्चुअल में काफी केओस हो गया था जिससे अब ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है और कहती है कि हम सब ठीक कर देंगे, अब इंडिया में जो पॉलिसीज हैं, जो कानून है, वो यहाँ के कल्चर के हिसाब से ही बनाए जाएंगे। तो होता यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को अब वॉइसरॉय और ऑन द स्पॉट रिक्रूट किए 1500 आईसीएस ऑफिसर्स रिप्लेस कर देते हैं और 1858 में आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए भी ऑन पेपर ओपन कर दी जाती है, क्योंकि 1869 तक भी सिर्फ एक ही इंडियन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि इसे क्वालिफाई कर पाए थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को रिप्लेस कर रहे थे, ये कंपैरेटिवली उनसे ज्यादा पढ़े लिखे तो थे, लेकिन नंबर में काफी कम थे, और इंडियन ऑफिसर्स तो
थे ही नहीं, इसलिए इन ऑफिसर्स का ना ही इंडियन सोसाइटी के साथ ज्यादा इंटरेक्शन था और ना ही ये इसे ज्यादा समझते थे, इसीलिए ना कई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आने लगती है। और दूसरा, इनको ग्राउंड पर भी क्या सेंटिमेंट है ये पता करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन ह्यूम एक पुराने सिविल सर्वेंट थे, ये इंडिया में कई साल रह चुके थे और 1857 का रेबेलियन भी इन्होंने देखा था। इस टाइम पर ये यूपी के इटावा में एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। ह्यूम ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को काफी क्रिटिसाइज भी करते थे और उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज से काफी इंडियन मनी और पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है और उनकी गवर्नमेंट का इंडियन पेजेंट्स के साथ जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छा नहीं है, इसीलिए इन्हें 1879 में डिमोट तक कर दिया गया था। 1882 में ह्यूम रिटायरमेंट ले लेते हैं और 1883 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक लेटर लिखते हैं। इसमें वो 50 वॉलंटियर्स की मांग करते हैं जो सेल्फलेसली ग्रेटर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर सके। ये लिखते हैं कि अगर आप जैसे हाईली एजुकेटेड यूथ भी अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को छोड़कर अपने और अपने देश के लिए ग्रेटर फ्रीडम सिक्योर नहीं करेंगे, एक इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपके देश का मैनेजमेंट है उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं मांगेंगे, तो मेरे जैसे लोग जो आपके फ्रेंड हैं वो गलत साबित होंगे और आपके एडवर्सरीज सही साबित हो जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स मानते थे कि इंडियंस तो सेल्फ रूल कर ही नहीं पाएंगे। इस टाइम हमारे देश में कोई भी नेशनल पार्टी नहीं थी, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस चल रही थी, जैसे बंगाल में बंगाल एसोसिएशन, इसी तरह मद्रास एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस टाइप के इवेंट करते थे। इनफैक्ट इन्होंने मर्ज होकर एक सिंगल एसोसिएशन भी बनाई थी, लेकिन एक नेशनल पार्टी का आइडिया शायद एओ ह्यूम ने ही दिया था। उनके लिए ये करना पॉसिबल भी था और इसे सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि एक तो वो ब्रिटिशर्स थे, दूसरा सीनियर सिविल सर्वेंट भी रह चुके थे, और सबसे बड़ा रीजन था कि उनके पास उस टाइम के वॉयसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड डफरिन की ग्रीन लाइट भी थी। लॉर्ड डफरिन का भी मानना था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि भारत की इंटेलिजेंट और एजुकेटेड क्लास क्या सोचती है। और इसी सेम रीजन की वजह से सेफ्टी वॉल्व जैसी थ्योरीज निकलती है कि कैसे कांग्रेस को ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए बनाया था, जिसके बारे में लाला लाजपत राय जी ने भी कहा है। लेकिन एओ ह्यूम के अच्छे इंटेंशंस को लेकर उन्हें भी कोई डाउट नहीं था। दिसंबर 1885 में कई सारे न्यूज़पेपर में कांग्रेस के होने वाले पहले सेशन की खबर छपती है और सर्कुलर्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। और फिर 28 दिसंबर 1885 को बनती है कांग्रेस। बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला सेशन रखा जाता है। WC बनर्जी जो कांग्रेस के को-फाउंडर थे और जिनके पास इस सेशन की प्रेसिडेंसी थी, वो ऑल ओवर इंडिया से 72 डेलीगेट्स को इन्वाइट करते हैं। अब ये कांग्रेस बेसिकली एक एलीट एजुकेटेड इंडियंस की ऑर्गेनाइजेशन थी जो मोस्टली लॉयर्स होते थे और ब्रॉड से पढ़कर आए हुए थे। इस टाइम कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव भारत को फ्रीडम दिलवाना नहीं था, बल्कि सिर्फ भारत के फेवर में ब्रिटिश पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना था। इसके कुछ ट्रेडिशन ऐसे थे कि जैसे साल के दिसंबर के महीने में एक कॉन्फ्रेंस करेंगे जो कि इंडिया के अलग अलग सिटीज में होंगी। इन्हीं सेशन में वोटिंग के थ्रू अगले एक साल के लिए प्रेसिडेंट भी डिसाइड होगा और एजेंडा भी। शुरू के कुछ सालों में कांग्रेस कुछ हद तक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में सक्सेसफुल होती है, बल्कि पहले सेशन में जहां 72 डेलीगेट आए थे, 11 सेशन तक ये 1600 पहुंच गए थे। इसके अलावा जब 1896 में भारत के कई हिस्सों में फेमिन तो कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में ब्रिटिशर्स को ही ब्लेम करा था, बल्कि ब्रिटिशर्स जो भारत से वेल्थ लूट रहे थे उसको बंद करने के लिए भी गवर्नमेंट को इन्होंने लिखा था। लेकिन कुछ कांग्रेस के लीडर्स इसे इनएफेक्टिव मानते थे, जैसे लाला लाजपत राय ने तो 7 साल कांग्रेस का कोई भी सेशन अटेंड नहीं करा क्योंकि उन्हें लगता था कि मॉडरेट अप्रोच से ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते और इस तरह के लीडर फेमस होने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसका एक रीजन ये था कि कांग्रेस के ज्यादातर लीडर्स अपर कास्ट हाई क्लास एलीट थे और वो आम जनता के इश्यूज से अवेयर नहीं थे और शायद ज्यादा रिलेट भी नहीं कर पाते थे। इन लीडर्स के आपस में चाहे कितने भी डिफरेंस रहे हो, लेकिन 1897 में जब तिलक को सेडिशन चार्जेस पर अरेस्ट किया गया तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस सेशन में निडर होकर तिलक के फेवर में स्पीच दी थी और कहा था कि आज पूरा देश रो रहा है। कांग्रेस के लीडर्स अपनी बात प्रोटेस्ट और पिटीशन के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहते थे। और दूसरी तरफ लाला लाजपत राय, तिलक ऐसे मेंबर्स काफी एंटी ब्रिटिशर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन कांग्रेस को इन चीजों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही सुननी पड़ती थी। दूसरी तरफ कुछ लीडर्स इन्हें ज्यादा कुछ ना करने के लिए क्रिटिसाइज भी करते थे। कांग्रेस के गोल्स क्या होने चाहिए और उसे कैसे फंक्शन करना चाहिए, इसको लेकर भी मेंबर्स में डिफरेंस थे जो बाद में और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे 1905 में अंग्रेज बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं तो कांग्रेस दो ग्रुप में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। नरम दल यानी मॉडरेट, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये लोग इसके लीडर थे। इनका मानना था कि ये डायलॉग पिटीशन के थ्रू ब्रिटिशर्स तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ थे गरम दल के लोग जिसे लीड कर रहे थे तिलक, लाला लाजपत राय, ओरोबिंदो घोष, इस तरह के लीडर्स। इनका मानना था कि उन्हें टोटल बॉयकॉट और धरना करना चाहिए, डायलॉग से कुछ भी नहीं हो सकता है। 1906 का कलकत्ता सेशन, जिसकी प्रेसिडेंसी थी नरम दल के दादा भाई नेहरोजी के पास, जो गरम दल के लीडर से यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए सेशन से वॉकआउट कर जाते हैं। ये डिवाइड ज्यादा न बढ़ जाए और गरम दल के लीडर्स को खुश करने के लिए दादा भाई कुछ रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, जैसे कि स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस, नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट। यही वो सेशन था जिसमें सबसे पहली बार
स्वराज्य वर्ड का यूज किया गया था, जो कि एक बड़ी बात थी क्योंकि नरम दल इतना एक्सप्लिसिटली ये चीजें नहीं बोलते थे पहले, या ये कह लो कि सॉफ्ट और पैसिव डिप्लोमेसी में ज्यादा बिलीव करते थे। अब ये रेजोल्यूशन पास तो हो गया, लेकिन गरम दल को पता चलता है कि बॉम्बे में जो नरम दल के कांग्रेस वाले लीडर हैं, एक नया ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं जिसमें वो बॉयकॉट मूवमेंट, नेशनल एजुकेशन और शायद स्वराज जैसे जो मुद्दे हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस ना दे, और गरम दल को बाहर निकालने के लिए ये अपने हिसाब से कंडीशन भी रख रहे हैं। और इसके बाद आता है सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। शायद आपने पढ़ा भी हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। होता यह कि 1907 में कांग्रेस का सेशन ओरिजिनली नागपुर में होना था, लेकिन जो नरम दल वाले लोग हैं वो जानते थे कि नागपुर गरम दल वालों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसलिए वो इस सेशन को शिफ्ट कर देते हैं सूरत में, जो ट्रेडिशनली नरम दल वाले डोमिनेट करते थे। वो इस होप में ऐसा करते हैं कि जो भी रेजोल्यूशन पास करेंगे उसके अगेंस्ट गरम दल वाले ज्यादा वोट नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तो वैसे तो इस साल प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय को बनना चाहिए था, लेकिन नरम दल के रास बिहारी घोष को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है और सूरत सेशन के लिए फ्रेंच गार्डन ये लोग पहुंच जाते हैं। अब तिलक जाते हैं प्रेसिडेंट के पास एक रेजोल्यूशन पास कराने की रिक्वेस्ट लेके, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी जाती है। तिलक गरम दल के थे तो वो बिना परमिशन के ही स्टेज पर चढ़ जाते हैं। उन्हें स्टेज से उतारने के लिए नरम दल की तरफ से बहुत शोर शराबा होता है, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और कहीं से एक जूता उड़कर आता है और प्रेसिडेंट घोष और सुरेंद्र नाथ को लगता है, और उसके बाद दोनों ही तरफ से कुर्सी डंडे सब कुछ चल पड़ते हैं। यहां पर पुलिस पहुंच जाती है और कई लोगों को अरेस्ट तक करना पड़ता है और यह सेशन तब जाकर रद्द किया जाता है। तो बेसिकली पार्टी मीटिंग्स में चप्पल जूते चलने का ट्रेंड कोई नया नहीं है। अब नरम दल वाले सोचते हैं कि हम कांग्रेस को डिसमेंटल करेंगे और इसकी जगह एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएंगे जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और उसके हिसाब से ही सबको काम करना पड़ेगा, ताकि जो पहले की तरह ऑपोजिंग व्यू वाले जो लोग थे वो पार्टी में ना आ सके, सब बिल्कुल एक तरह से सोचे। वहीं लाला लाजपत राय तिलक को जाके बताते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर कांग्रेस स्प्लिट हुई तो वो फुल फोर्स से गरम दल को दबाने की कोशिश करेंगे। अब किसी तरह लाला लाजपत राय सबको मना लेते हैं और गरम दल भी नए कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर दोबारा से नरम दल को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उन्हें पता था कि इस टाइम तक जब देश में आजादी और स्वराज्य जैसी मांगे उठना शुरू हुई है तो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अंग्रेज भी सिर्फ कांग्रेस को ही एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म समझते थे, इसलिए दोनों दल कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर से साथ में आकर काम करने लग जाते हैं। 1915 तक कांग्रेस के ऑपोजिट सिर्फ एक ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल्दो इन्होंने भी अभी तक सेपरेट नेशंस की बात नहीं करी थी। इसके अलावा दूसरी तरफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनाने के लिए भी कुछ प्रिपरेटरी सेशन जैसे हरिद्वार, लखनऊ, दिल्ली इन सब जगह रखे गए थे, तो इनकी भी बात चल रही थी। 1915 में ही महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं और इनके वापस आने के बाद कांग्रेस जो अब तक सिर्फ पढ़े लिखे एलीट लोगों का मूवमेंट था उसको मासेस का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। गांधी जब वापस आते हैं तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उन्हें अपने बारे में बताते हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद गोखले गांधी को एडवाइस करते हैं कि वो एक बार पूरे इंडिया के टूर पर जाएं ताकि वो आम जनता की प्रॉब्लम को समझ सके और उनके सेंटिमेंट्स को अच्छे से रिलेट कर सके। गांधी गोखले की बात मानते हैं और पूरे इंडिया के टूर पर निकल जाते हैं और इसके बाद ही हमें चंपारण संघर्ष, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह जैसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जो कांग्रेस में और आम जनता के बीच गांधी जी का जो कद उसको बढ़ा देते हैं। वो जिस तरीके से मासेस के साथ कनेक्ट करते हैं ये देखकर काफी कांग्रेस लीडर्स भी इनसे इंप्रेस और इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं। 1916 में जिन्ना जो कि कांग्रेस के एक मेंबर थे और कुछ साल पहले मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर चुके थे, ये दोनों पार्टीज के बीच में लखनऊ पैक्ट करवाते हैं, जो एक अग्रीमेंट था जिसके हिसाब से अब दोनों ही पार्टीज को मिलकर ब्रिटिशर्स पर प्रेशर डालना शुरू करना पड़ेगा। फिर आता है 1919, जब अपने फादर मोतीलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और इसी साल हमें जलियांवाला बाग सेकर भी देखने को मिलता है, जिसके साथ ही कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी शुरू कर देती है। सरदार पटेल जो कि इस टाइम पर अहमदाबाद में थे, गांधी जी के आइडिया से काफी इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने भी गुजरात में रहते हुए फ्रीडम मूवमेंट के स्ट्रगल को शुरू कर दिया था। 1921 में सुभाष चंद्र बोस भी इंग्लैंड से लौटते हैं और कांग्रेस को ही ज्वाइन कर लेते हैं और इसी टाइम कांग्रेस में कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी किए जाते हैं, जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 350 कर दिया जाता है और 15 मेंबर्स की एक वर्किंग कमेटी भी बनाई जाती है और देखते ही देखते कांग्रेस पार्टी भारत की फ्रीडम मूवमेंट का एक सेंटर पॉइंट बन जाती है और इसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। कांग्रेस के रिकमेंडेशंस को मानकर गांधी जी ने डोमिनियन स्टेट को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेजोल्यूशन मूव कर दिया था, ऑल्दो कांग्रेस के ही बहुत से लीडर्स जैसे कि बोस और खुद नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे और 1930 में कांग्रेस ने स्वराज मतलब कि सेल्फ रूल डिक्लेयर कर भी दिया था, लेकिन ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब पैरेलली देश में बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे जिसमें सबसे ज्यादा लाइमलाइट गांधी जी के दांडी मार्च और सत्याग्रह को मिल रही थी। इन सभी मूवमेंट में कांग्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था और इनके कई सारे लीडर्स बहुत बार इसकी वजह से जेल भी गए थे। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद ये भी पता चल गया था कि अब भारत के ज्यादातर जो लोग हैं वो भी कांग्रेस
कांग्रेस को अपना रिप्रेजेंटेटिव की तरह देखने लगे। ये इलेक्शंस 1500 सीट्स पर लड़े गए थे, जिसमें से कांग्रेस ने 758 सीट्स जीतकर यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, मद्रास जैसे 8 प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। 1940 से 47 के बीच में क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस ने चलाया, जो कि इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस वॉर के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फुली कोऑपरेट करे और ब्रिटिशर्स इसके बदले कुछ लॉलीपॉप पकड़ाने के चक्कर में थे। अब गांधी जी को भी समझ आ गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें लटका के रखे हुए है, एक्चुअल में इसका इंडिपेंडेंस देने का कोई इंटेंशन नहीं था। इसलिए गांधी जी स्पीच देते हैं और लोगों से कहते हैं कि सभी क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लो, और कहते हुए ये कहते हैं कि ये डू और डाई का टाइम आ चुका है। और ये सुनकर कांग्रेस के लीडर्स भी अपनी प्रोविंशियल पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। मुस्लिम लीग इस मूवमेंट का हिस्सा बनने से मना कर देती है क्योंकि इनकी ब्रिटिशर्स के साथ पहले ही कोई साठगांठ हो रखी थी और ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी इस टाइम तक पास कर चुके थे। वही हिंदू महासभा भी इसके अगेंस्ट थी क्योंकि उनका मानना था कि इंडियंस को वॉर टैक्टिक्स सीखने के लिए और बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जिससे कि वो बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही यूज कर सकते हैं। बोस, जो कि 1938 से 39 के बीच में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्हें भी कांग्रेस की नॉन वायलेंस अप्रोच बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये पार्टी से रिजाइन करते हैं और आजाद हिंद फौज बना लेते हैं और इंडिया को मिलिटरली टेक ओवर करने के लिए एक्सिस पावर्स के साथ जाकर मिल जाते हैं। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद भारत में सेकंड प्रोविंशियल इलेक्शन कराए जाते हैं और कांग्रेस के वो सारे लीडर जो जेल में थे उन्हें भी रिलीज कर दिया जाता है। 1945-46 के इन इलेक्शन में एक बार फिर से कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनती है और 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार फॉर्म करती है। इस मैप में जो जो एरिया ब्लू में है वो सारे कांग्रेस पार्टी ने जीते थे और ग्रीन वाले मुस्लिम लीग ने। ब्राउन कलर वाले एरिया में प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको दिख रहा होगा सिंध, पंजाब, बंगाल प्रोविंस में मुस्लिम लीग का एक टोटल डोमिनेंस था। बल्कि इस बार मुस्लिम लीग ने 30 की 30 रिजर्व्ड मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जीत लिया था। इसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पता चल गया था कि अब मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में जिन्ना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और सेपरेट नेशंस की डिमांड और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। 1946 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट बनानी थी, जिसमें 5 मिनिस्ट्रीज मुस्लिम मिनिस्टर्स के लिए रिजर्व की गई थी, जो इवेंचुअली मुस्लिम लीग के पास चली गई। और इस गवर्नमेंट को हेड करना था कांग्रेस के प्रेसिडेंट को, क्योंकि कांग्रेस ने इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। अब 1940 से इस टाइम तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से ही ज्यादातर लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, इसीलिए इस बीच कांग्रेस के इलेक्शंस नहीं हो पाए थे। अब जब 1946 में कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं तो 15 में से 12 जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग हैं वो सरदार पटेल का नाम नॉमिनेट करते हैं और बाकी 3 कोई नाम देते ही नहीं। मतलब ये डिसाइडेड था कि अब सरदार पटेल ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे और फिर ऑटोमेटिकली इंटरिम गवर्नमेंट के ये पीएम भी बन जाएंगे। लेकिन गांधी जी पटेल से अपना नाम वापस लेने के लिए कहते हैं और नेहरू जी का नाम नॉमिनेट कर देते हैं, जिसके बाद पटेल अपना नाम वापस ले लेते हैं और नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ऑल्दो लेफ्ट का ये नैरेटिव है कि गांधी जी ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि उस टाइम पर पटेल की हेल्थ दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वहीं राइट विंग के लोग कहते हैं पटेल से कुर्सी छीनना एक साजिश था और डेमोक्रेसी पर पहला हमला था। खैर, इस इंटरिम गवर्नमेंट को नेहरू लीड करते हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स भी इन्हीं को मिलता है। पटेल को होम मिनिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री दे दी जाती है। सिमिलरली रेलवे, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिफेंस भी कांग्रेस के लीडर्स के पास ही रहते हैं, जबकि मुस्लिम लीग के लीडर्स को मिलता है कॉमर्स, फाइनेंस, हेल्थ, लॉ, पोस्टल ड्यूटीज और एयर मिनिस्ट्रीज। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन इसके साथ ही भारत में पार्टीशन भी हो जाता है। 1947 से 51 के बीच में 2 बड़ी चीजें हुई, एक तो गांधी जी और सरदार पटेल जी की डेथ हो गई और दूसरा भारत में अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। वैसे गांधी जी की विश थी कि कांग्रेस पार्टी आजादी दिलवाने के बाद डिसबैंड हो जानी चाहिए, मतलब टूट जानी चाहिए। वो चाहते थे कि AICC कांग्रेस को लोक सेवा संघ बना दे जो विलेज अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती हो। लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा। 1951 में इंडिपेंडेंट भारत का पहला जनरल इलेक्शन करवाया जाता है। इस टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे नेहरू और वही बनते हैं पीएम फेस। अब कांग्रेस पार्टी का फ्रीडम में बहुत बड़ा रोल था, ऊपर से पिछले 3 सालों में भी कांग्रेस ने ही देश को संभाला था। फिर पटेल और गांधी की डेथ के बाद भी नेहरू एक ऐसे लीडर थे जिनका मासेस के साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट था, जो 51 के इलेक्शन में प्रूव भी हो जाता है, जब कांग्रेस पार्टी 489 में 364 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाती है और नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इन इलेक्शंस में कांग्रेस के अगेंस्ट 2 ही बड़ी पार्टीज थी, एक तो CPI जिसने 16 सीटें जीती और जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस से ही टूटकर बनी थी और उसको 12 सीटें मिली थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो इस सोशलिस्ट फैक्शन हुआ करता था, इसके लीडर पहले नेहरू ही हुआ करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि एक और बड़े लीडर थे, उन्होंने भी हिंदू महासभा से अलग होकर जनसंघ नाम से एक पार्टी बनाई थी। जनसंघ RSS का ही एक पॉलिटिकल आर्म था और इसे आगे जाकर जनता पार्टी बना दिया जाता है। इसकी बात हम आगे बाद में करेंगे। जवाहरलाल नेहरू 1952 से 66 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और इसी बीच ये इंडिपेंडेंट भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पर्सनालिटी बन जाते हैं। इन 15 सालों में कई इंटरेस्टिंग चीजें हुई। नेहरू सोवियत एक्सपेरिमेंट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे और सोवियत यूनियन से काफी इन्फ्लुएंस भी थे। इनका मानना था
कि देश की हैवी इंडस्ट्रीज को स्टेट के कंट्रोल में ही होना चाहिए। इसीलिए हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थी और इंडिया की मेजर पॉलिसीज में सोशलिस्ट अप्रोच ही ली जाती। वहीं दूसरी तरफ इस टाइम कांग्रेस पार्टी में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा था और जैसे जैसे नेहरू का कद बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वो पार्टी में भी एक हाई कमांड कल्चर डेवलप हो रहा था जिसमें अब पार्टी की आइडियोलॉजी बैकफुट पर जा रही थी और इस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था कि इलेक्शन कैसे जीते जा सकते। और इसीलिए जो इतनी डेमोक्रेटिक पार्टी थी जिसमें प्रोविंशियल लेवल तक पर लीडर का इन्फ्लुएंस होता था अब ये शिफ्ट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और टॉप लीडर्स तक ही लिमिटेड हो गया था। अब हाई कमांड यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी स्टेट यूनिट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और डिसीजन मेकिंग भी इस टाइम पर टॉप डाउन बन चुकी थी। कांग्रेस एक वोट गेटिंग मशीन की तरह ऑपरेट कर रही थी और इसका रिजल्ट भी दिख रहा था। कांग्रेस ने 57 और 62 के इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्रीज हासिल करी थी। लेकिन नेहरू की लीडरशिप पर सवाल तब उठना शुरू होता है जब 1962 में भारत चाइना से वॉर हार जाता है। इसको नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का एक फेलियर माना जाता है और कुछ एमपीज नेहरू के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन तक ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1963 में कुछ लोकसभा सीटों पर बाई इलेक्शन भी होते हैं। इनमें तीन सीटें बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इन तीनों सीटों पर कांग्रेस के ऑपोजिशन में काफी स्ट्रॉन्ग लीडर्स खड़े थे। लेकिन सारा जोर लगाने के बाद भी ये तीनों सीटें कांग्रेस हार जाती है और इन तीन सीटों पर इलेक्ट होते हैं राम मनोहर लोहिया, मिन्नू मसानी और जेबी कृपलानी जो उस टाइम पर नेहरू के सबसे बड़े क्रिटिक हुआ करते थे। अब नेहरू प्रेशर में आ गए थे और उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, द कामराज प्लान। के कामराज मद्रास में काफी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने कांग्रेस के रिवाइवल के लिए भी एक प्रपोजल सबमिट किया था। कामराज का ये प्रपोजल इंप्लीमेंट किया जाता है जिसमें कांग्रेस को सभी यूनियन मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को वॉलंटरली रिजाइन करना था ताकि वो ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए काम कर सके। जिन यूनियन मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दिया उसमें मोरारजी देसाई, शास्त्री और जगजीवन राम जैसे लीडर्स आते। चीफ मिनिस्टर्स में बीजू पटनायक, डीबी गुप्ता और खुद कामराज ने भी रिजाइन किया था। नेहरू ने भी अपना रेजिग्नेशन दिया लेकिन कामराज और सीडब्ल्यूसी ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। इसके बाद जब 64 में कांग्रेस के इलेक्शंस हुए तो उसमें यूनैनिमसली कामराज को ही प्रेसिडेंट चुना गया था। इस कामराज प्लान ने ऑपोजिशन और खुद कांग्रेस के अंदर जो बड़े-बड़े क्रिटिक्स थे उनको एकदम चुप करा दिया और जनता में भी यह मैसेज दिया गया कि कांग्रेस पार्टी अभी भी एक रोबस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद 27 मई 1966 को कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगता है जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है और एक बार फिर से सवाल उठता है कि कांग्रेस में अब लीडर कौन बनेगा और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि देश का पीएम अब कौन बनेगा। कामराज खुद तमिलनाडु में 3 टर्म के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और इनका कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा स्टैचर बन गया था, इसलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब शायद कामराज ही देश की कमान संभालेंगे। लेकिन इस सवाल को कामराज जी ये कहकर टाल देते हैं कि जिसको हिंदी और इंग्लिश ढंग से ना आती हो वो देश का पीएम नहीं बन सकता। इसके बाद ये माना जाता है कि अब मोरारजी देसाई ही शायद अगले पीएम बनेंगे क्योंकि उनके पास पार्टी में अच्छा खासा सपोर्ट था। बीजू पटनायक, जगजीवन राम, संजीवा रेड्डी जैसे लीडर्स भी इन्हीं को ही सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कामराज 2 दिन के अंदर 250 एमपी से मिलते हैं और उन्हें शास्त्री जी को सपोर्ट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। उस टाइम इंदिरा गांधी जी का भी नाम आ रहा था लेकिन उनका भी वोट शास्त्री जी को ही जाता है और इवेंचुअली शास्त्री जी भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ये बात मोरारजी देसाई को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती और उन्होंने शास्त्री जी को सपोर्ट तो किया था लेकिन उनकी कैबिनेट में हिस्सा बनने से वो मना कर देते हैं। वहीं कामराज जिन्हें अब तक एक किंग मेकर के नाम से जाना जा रहा था उन्हें पता नहीं था कि ये रोल उन्हें फिर से अडॉप्ट करना पड़ेगा और वो भी बहुत जल्दी। 11 जनवरी 1966 को ताशकंत में शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है। इस टाइम पर पीएम बनने के लिए इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में कड़ी टक्कर होती है। अब कामराज के साथ कई लीडर्स मोरारजी देसाई को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो इंदिरा गांधी को पीएम बनने दें लेकिन मोरारजी देसाई अपना नाम वापस नहीं करते। इसके बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं जिसमें मोरारजी देसाई को 169 वोट मिलते हैं और इंदिरा गांधी को 355। हालांकि अभी स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न खत्म नहीं हुए क्योंकि अगले ही साल 1967 में देश के अंदर होने वाले थे जनरल इलेक्शन। कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन को एक बड़े लो मार्जिन से जीतती है, इसीलिए सेंटर में तो इनकी सरकार बन जाती है लेकिन 8 स्टेट्स में इंक्लूडिंग कामराज के तमिलनाडु में ये अपनी सरकार नहीं बचा पाते। इसी इलेक्शन में दीनदयाल उपाध्याय की जनसंघ ने 35 सीटें जीती थी और सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी ने 44 सीटें जीती थी। अब स्वतंत्र पार्टी इंडिया की हिस्ट्री की इकलौती लिबरल पार्टी थी जिसकी आइडियोलॉजी थी कि सिटीजंस की लाइफ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। इसके लीडर्स फ्री मार्केट के भी सपोर्टर्स थे और लाइसेंस राज के बिल्कुल खिलाफ थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह भी पार्टी कांग्रेस से ही टूटकर बनी थी। अब इस आइडियोलॉजी की पार्टी जो सिर्फ 7 साल पुरानी हो 44 सीटें जीतना जबकि पिछले इलेक्शन में सिर्फ इसकी 18 सीटें आई थी, ये बात यह दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं आम जनता अब कांग्रेस और उसकी सोशलिस्ट पार्टी
पार्टी को लेकर उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। और कांग्रेस पार्टी भी खुद दो फ्रैक्शंस में डिवाइड हो चुकी थी। एक ओल्ड लीडर्स का ग्रुप था जिसे सिंडिकेट कहते थे, कामराज अभी भी इसी ग्रुप के पार्ट थे, और वहीं दूसरी तरफ का ग्रुप था इंदिरा गांधी के लॉयलिस्ट। इस टाइम पर इंदिरा गांधी जी को बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे गूंगी गुड़िया के नाम से। लेकिन जब इंदिरा गांधी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांग लेती है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई भी शामिल थे, और प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने के लिए संजीवा रेड्डी का नाम दे देती है जबकि पार्टी के नॉमिनी वीवी गिरी थे, तो ओल्ड गार्ड्स को पता चल गया था कि इंदिरा उनकी जी हजूरी करने के लिए नहीं आई। सिंडिकेट सीडब्ल्यूसी की एक मीटिंग बुलाते हैं और पीएम इंदिरा गांधी के ऊपर 7 चार्जेस लगा देते हैं, जिसमें पार्टी के नॉमिनी को अपोज करना, कांग्रेस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन चलाना और मेंबर से साइन लेने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स को यूज करना। इसके अलावा एंटी पार्टी एक्टिविटी और लास्ट चार्ज सबसे बोल्ड था, डिजायर टू कॉन्सेंट्रेट ऑल पावर इन हर हैंड, पार्टी की सारी पावर्स अपने कंट्रोल में लेने की एक इच्छा। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी ने जो 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, इसको लेकर भी सिंडिकेट वाले जो मेंबर्स थे वो काफी नाराज थे, क्योंकि इंदिरा की पॉलिसीज दिन पर दिन काफी ज्यादा सोशलिस्ट होती जा रही थी। लाइसेंस राज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था जिससे प्रो मार्केट लीडर्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। इसलिए 13 नवंबर 1969 को सिंडिकेट वाले लीडर्स पीएम इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल देते हैं। To remove Srimati Indira Gandhi from the primary membership of the Congress for deliberate act of defiance of the decision of the working committee and for actively sponsoring the setting up of rival working committee and rival AICC and by other attitudes and actions. इस डिसीजन से नाराज होकर इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर वाला ग्रुप था वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर के बाहर नारेबाजी करने लगते हैं। और पार्टी में जो इंदिरा गांधी के लॉयलिस्ट थे इन्हें भी अब एक साइड चूज करनी पड़ी। दिस एक्शन इज नॉट ओनली इलीगल एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी बट दिस इज अ डिजास्टरस मूव विद फार रीचिंग पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन। और यहीं से कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो जाती है। एक तरफ थी सिंडिकेट की कांग्रेस ओ, जिसके पास 65 एमपी थे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 259 मेंबर्स का सपोर्ट था, जबकि 446 एआईसीसी मेंबर्स और बाकी एमपीज इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर में चले जाते हैं। ऑल्दो कांग्रेस का ओरिजिनल पार्टी सिंबल ओल्ड गार्ड्स को ही मिलता है। स्प्लिट की वजह से इंदिरा गांधी के पास अब लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए वो सीपीआई और डीएमके का सपोर्ट लेते हैं। अब पार्टी में भी सिर्फ वही हो रहा था जो इंदिरा गांधी चाहती थी। इसी टाइम सेंट्रल फंडिंग के थ्रू पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी पैसा आने लगता है, इसीलिए पॉलिटिकल करप्शन भी बढ़ता चला जाता है। 1973 में गुजरात के कांग्रेस चीफ मिनिस्टर पर उन्हीं के दो कैबिनेट मिनिस्टर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने एक बिजनेसमैन के साथ डील की है और बदले में वो बिजनेसमैन कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन में फंडिंग देने वाला है। लेकिन गरीबी हटाओ का नारा, बैंक नेशनलाइजेशन और 71 की बांग्लादेश वॉर के बाद इंदिरा गांधी को एक आयरन लेडी की तरह देखा जाने लगा था, जिसकी वजह से 1971 के जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर 521 सीटों में 352 सीटें जीतकर अपनी सरकार बना लेती है, जबकि कांग्रेस ओ को सिर्फ 16 सीटें मिलती हैं। लेकिन फिर आता है 12 जून 1975 का दिन, अलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी जी की इस विक्ट्री को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उसका रीजन था इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। ऑपोजिशन उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं, लेकिन वो इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, और फिर 12 ही दिन बाद 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अब इस इमरजेंसी में जितना भी डिक्टेटोरियल काम हो सकता था वो सारा हुआ। मीडिया पर सेंसरशिप, ऑपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस और नसबंदी की कैंपेन तक चला दी गई थी। सरकार के इस मास स्टरलाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू जिस भी इंसान के दो बच्चे हैं वो अपनी नसबंदी करवा सकता है। इस प्रोग्राम को संजय गांधी देख रहे थे, और एक ही साल में 62 लाख आदमियों की नसबंदी कर दी गई थी, जिसमें से बहुत से लोगों को नसबंदी के लिए पुलिस जबरदस्ती पकड़ के करवा रही थी। ये भी कहा जाता था कि इस जबरदस्ती के ऑपरेशन से 2000 लोगों तक की जान भी चली गई थी। और इसी इमरजेंसी के टाइम पर 42nd अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल, जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है, उसमें तक चेंज कर दिया गया था, और इस चेंज के थ्रू इसमें सोशलिस्ट
और सेकुलर वर्ड्स को ऐड कर दिया गया था। इन सभी चीजों के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए, बल्कि जेपी ने ही इस पूरे आंदोलन को लीड भी किया था। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटाई जाती है और फ्रेश इलेक्शन करवाए जाते हैं। इसमें इंदिरा गांधी को 542 में सिर्फ 154 सीट्स मिलती हैं, जबकि जनता पार्टी जो कि कांग्रेस ओ जनसंघ और कुछ पार्टियों से मिलकर बनी थी उसे 295 सीट्स दी जाती है। और इसके लीडर बनते हैं मोरारजी देसाई जो भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और फाइनली इनका प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना पूरा हो जाता है। लेकिन 1978 में एक बार फिर कांग्रेस स्प्लिट होती है। इस बार कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा लॉन्च होती है जो 1980 के इलेक्शन में एक बार फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती है और इंदिरा गांधी दोबारा से पीएम बन जाती है। इसी टाइम पर राजीव गांधी भी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं और एशियन गेम्स की तैयारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी जाती है। 1984 से पहले इलेक्शन कमीशन कांग्रेस आई को ही ओरिजिनल इंडियन नेशनल कांग्रेस भी डिक्लेयर कर देती है। लेकिन फिर आता है वो काला दिन जब इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद कांग्रेस और देश इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी राजीव गांधी पर आ जाती है। 1984 के इलेक्शन में राजीव गांधी के अंडर कांग्रेस ने 404 सीटें जीतकर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भी दर्ज करी। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी अपनी उस इनफेमस स्पीच के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाते हैं जहां पर वो कह रहे थे कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांप जाती है। लेकिन अगर आप कांग्रेस के अंदर देखें तो वो काफी पॉजिटिव लीडर थे। जो भी बड़े डिसीजन होते थे वो पार्टी से कंसल्ट किए बिना नहीं लेते थे और इनकी लीडरशिप में कांग्रेस भी स्टेबल रहती है। राजीव गांधी के पास इंडिया को मॉडर्नाइज करने के काफी सारे प्लान्स थे। इफ इंडिया इज टू प्रोग्रेस, इफ इंडिया इज टू मूव अहेड, इफ वी आर टू कीप अप विद द वर्ल्ड, वी मिस्ड वन बस विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अ सडन बूस्ट इन मसल पावर एंड वी वर नॉट एबल टू कैच अप फॉर 300 इयर्स। मे बी वी डिडंट जंप ऑन द सेकंड बस ऑन टाइम एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन or computer revolution. And now we might have to run behind that bus, catch up to it and jump onto it. लेकिन फिर आता है बोफोर्स स्कैंडल, शाहबानो केस और भोपाल गैस ट्रेजेडीज। इन सारी कंट्रोवर्सीज के चलते 1989 में ही राजीव गांधी अपनी इलेक्शन में फुल मेजोरिटी नहीं ला पाते और इस साल जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है वो भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है। और फिर 1991 में दोबारा इलेक्शन होते हैं। इस टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजीव गांधी थे और पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे और ऐसी एक रैली में राजीव गांधी जी का भी असैसिनेशन हो जाता है। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके एक दिन पहले यानी 21 मई को 534 में से 211 सीट्स पर वोट पड़ चुके थे जिसमें खबरें थी कि कांग्रेस हार रही है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद बाकी के जो दो राउंड्स हैं वो जून में पोस्टपोन कर दिए जाते हैं और अब कांग्रेस के साथ लोगों की सिंपैथी भी थी इसलिए जून के पोल्स में कांग्रेस को बहुत सारे वोट मिलते हैं और लास्ट में पीवी नरसिम्हा राव एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। May 1991, राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड बाय अ सुसाइड बॉम्बर इन श्री पेरंबदूर। In its aftermath, P.V. Narasimha Rao drove Congress to power as India's 10th Prime Minister. अब इस टाइम नरसिम्हा राव ने सरकार तो बना ली थी लेकिन कांग्रेस पार्टी को संभालने के लिए सोनिया गांधी जी का नाम सामने आ रहा था लेकिन फिलहाल वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करती है। और नरसिम्हा राव ही 92 से 96 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं। लेकिन नरसिम्हा राव के टाइम पर ऐसे दो बड़े इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से कहते हैं कि सोनिया गांधी और कुछ कांग्रेस के लीडर्स के जो रिलेशन थे वो नरसिम्हा राव से खराब हो चुके थे। एक तो ये खबर थी कि नरसिम्हा राव ने बाबरी डेमोलिशन को रोकने के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं और दूसरा बोफोर्स स्कैंडल जिसमें राजीव गांधी का नाम आ रहा था। इस केस में सीबीआई ने एक एफआईआर फाइल करी थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। इस बात से सोनिया गांधी नाराज थी क्योंकि इस केस में उनका भी नाम आ रहा था। There is a book that has come out by Javed Chaudhary, who was the enforcement director at that time, you know, and he describes how Chandraswamy tried to plant evidence in order to implicate Mrs. Sonia Gandhi, you know, in the Bofors scandal, and that was directly. Chandraswamy won't do anything without Narasimha Rao's concurrence. और इसी रीजन की वजह से 1996 के इलेक्शन में डिफीट के बाद कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया। आज के टाइम हालत ये है कि बीजेपी वाले नरसिम्हा राव की ज्यादा तारीफ करते हुए दिखते हैं और कांग्रेस वाले जनरली इन पर बात नहीं करना चाहते। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनती है लेकिन वो कांग्रेस प्रेसिडेंट कैसे बनती है और उनसे पहले कौन प्रेसिडेंट बनते हैं इसकी जो पूरी स्टोरी है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग। 96 के इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे थे नरसिम्हा राव इसलिए
सोनिया गांधी कैंपेनिंग नहीं करती है और कांग्रेस वो इलेक्शन भी हार जाती है, जिसके बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देते। इस टाइम पार्टी प्रेसिडेंट बनने के लिए सीताराम केसरी का नाम सामने आता है, जिनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा था। केसरी आजादी की लड़ाई में जेल भी गए थे और बिहार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। इसके अलावा केसरी कई सालों से AICC के ट्रेजरी भी रहे थे और पिछली 3 सरकारों में मिनिस्टर भी रह चुके थे, इसीलिए 96 में केसरी को ही कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। लेकिन केसरी के साथ इशू ये था कि यूपी बिहार के बैकवर्ड कास्ट लीडर जैसे कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और कांशीराम से ज्यादा दोस्ती रखते थे, जिसकी वजह से पार्टी के लोग कह रहे थे कि कांग्रेस ज्यादा मंडलाइज ना हो जाए। अपर कास्ट के जो लीडर जो मंडल कमीशन के बाद वैसे ही अनपॉपुलर हो गए थे, कहीं कंप्लीटली साइडलाइन ना कर दिया जाए। इन केसरी को हटाने का डिसीजन तब लिया गया जब 1997 में केसरी ने देवेगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। इसके बाद उनकी सरकार गिर जाती है। ऑल्दो आईके गुजराल को कांग्रेस सपोर्ट जरूर करती है, लेकिन वो अगले पीएम नहीं बनते और केसरी के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी में डिसकंटेंट और बढ़ जाता है। इसी टाइम पर ममता बनर्जी और बीजू पटनायक ने भी अपनी अलग अलग पार्टीज बना ली थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती और 98 में दोबारा इलेक्शन होते हैं। इस बार सोनिया गांधी सीताराम केसरी को एज ए स्टार कैंपेनर रिप्लेस कर देती है। अब सोनिया गांधी की रैलीज में भीड़ तो बहुत आती है, लेकिन सीट्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये वाले इलेक्शन भी कांग्रेस हार जाती है। अब सोनिया गांधी का फैक्शन केसरी को इस हार के लिए ब्लेम करता है और केसरी को रिजाइन करने के लिए कहता है। केसरी भी कंफ्यूज थे, कभी कहते थे कि रिजाइन कर दूंगा, कभी कहते थे सही टाइम आने पर करूंगा। अब सोनिया गांधी का फैक्शन जिसमें AK एंटनी, शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे लीडर्स थे, इससे परेशान होकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग बुलाते हैं। अब जब केसरी मीटिंग में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 2 रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो चुके हैं, एक उनको हटाने का और दूसरा सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाने का। अब कई लोग कहते हैं कि ये सुनते ही केसरी खुद को बाथरूम में लॉक कर लेते हैं ताकि उनसे रेजिग्नेशन ना लिया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि इस छीना झपटी में उनकी धोती तक खुल गई थी, वो नेम प्लेट सीताराम केसरी की उखाड़ के फेंकी गई 24 अकबर रोड से और ओवरनाइट सोनिया गांधी की नेम प्लेट लगाई गई। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, बहुत रिलक्टेंट थी, बहुत नई थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनको पॉलिटिक्स का, लगता था कि क्या ये संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी। उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि उस छीना झपटी में या केसरी जी गाड़ी में घुस रहे थे, धक्का मुक्की जी की धोती भी खुल गई। खैर, एंड में सोनिया गांधी इस तरह से कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन जाती है। लेकिन जब 1999 में एक वोट से अटल बिहारी सरकार गिर जाती है तो उस टाइम पर खबरें आती है कि सोनिया गांधी पीएम बनना चाह रही थी। अब क्योंकि सोनिया गांधी की ओरिजिन इटली से, इसलिए कांग्रेस के कुछ लीडर इस चीज से खुश नहीं थे और शरद पवार एक ऐसे ही लीडर थे जिन्होंने अपना व्यू पब्लिकली भी रख दिया। इसके बाद सोनिया गांधी रिजाइन कर देती है और इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपने लेटर में लिखते हैं कि चाहे मैं किसी दूसरे देश से आई हूं, लेकिन अब भारत मेरी मदरलैंड है और मेरे लिए जान से भी ज्यादा प्यारी। अब ये न्यूज मिलते ही कई कांग्रेस मेंबर्स हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, शरद पवार के खिलाफ भी बहुत ज्यादा नारेबाजी होने लगती और इसी वजह से शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर को पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाता है, जिसके बाद शरद पवार भी अपनी खुद की पार्टी NCP बना लेते हैं। आप नोटिस कर रहे हो कितनी सारी पार्टियां कांग्रेस से निकल कर बनती जा रही। खैर, इसके बाद सोनिया गांधी अपना रेजिग्नेशन वापस लेती है और सोनिया गांधी जब 98 में कांग्रेस प्रेसिडेंट बनती है तो लोकसभा में कांग्रेस की 140 सीटें थी और सिर्फ 4 स्टेट में उनकी सरकार थी। और जब 2004 में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को हराना इम्पॉसिबल होगा, सोनिया की लीडरशिप में कांग्रेस एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल होती है। इनफैक्ट 2009 में और भी ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा फिर से सरकार बनाती है और इसके अलावा अपनी पीक के टाइम पर कांग्रेस 15 स्टेट्स में अपनी सरकार बना चुकी थी। सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहती है और कांग्रेस की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट टाइम यही प्रेसिडेंट थी। 2004 से 14 के बीच में इन्हें डिफेक्टो पीएम भी माना जाता था, इसीलिए जो हाई कमांड कल्चर इंदिरा गांधी जी के टाइम पर था उससे कहीं ज्यादा सोनिया गांधी के टाइम पर हो चुका था। अब कुछ लोगों के हिसाब से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास पीएमओ से भी ज्यादा पावर आ चुकी थी और सोनिया गांधी एक नेशनल एडवाइजरी कमीशन को लीड करती थी जो कहते हैं कि पीएमओ के बराबर एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था और जब फाइल यहां से पास होती थी उसके बाद ही उस पर प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर होते थे। कांग्रेस जो धीरे धीरे अपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती चली गई, इसका क्रेडिट भी सोनिया गांधी को दिया जाता है, जिसमें इनकी सरकार में वेलफेयरिज्म और सेकुलरिज्म पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ऑल्दो इस चीज को कुछ लोग माइनॉरिटी अपीजमेंट का भी नाम देते हैं और 2009 से 2014 के बीच में जो करप्शन स्कैंडल निकल के आए, 2G स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड, वो तो हम सबको पता है। इन्हीं सब स्कैंडल्स की वजह से हमने अन्ना हजारे मूवमेंट और मोदी के राइज को भी देखा है और इवेंचुअली 2014 में कांग्रेस को हराकर बीजेपी फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि देश में पीएम मोदी का कद जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे ही कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का कद भी बढ़ रहा था। इवन दो राहुल गांधी को फॉर्मली 2014 या 2019 में पीएम डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन ये सब जानते थे कि कांग्रेस अगर जीतती तो राहुल गांधी को ही पीएम बनाया जाता। और 2017 में सोनिया गांधी भी पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट से रिटायरमेंट ले चुकी थी, जिसके बाद इलेक्शन में राहुल गांधी को अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया था। राहुल गांधी के प्रेसिडेंट रहते हुए 2019 से पहले 3 बड़े स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार भी बनाई। इसकी वजह से कई लोग ये तक क्लेम करने लगे थे कि 2019 में राहुल गांधी अब मोदी की वेव को रोक देंगे और सरकार बना लेंगे। सूट बूट की सरकार, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, महंगाई, इन सारे इश्यूज पर कांग्रेस सरकार को घेर सकती थी, लेकिन राहुल गांधी रफाल से आगे ही नहीं बढ़े और इवेंचुअली बीजेपी एक बार फिर से 2019 में सरकार बना लेती है। और पिछले 9 सालों में कांग्रेस बीजेपी के अगेंस्ट जितने भी गोल स्कोर कर रही है उसके साथ साथ अपने अगेंस्ट सेल्फ गोल भी किए जा रही है। चौकीदार चोर है जैसे कैंपेन चलाना। दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। बालाकोट एयर स्ट्राइक का सरकार से प्रूफ मांगना, फिर माफी मांग लेना। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। भारत को स्टेट्स के आधार पर डिवाइड करने का आइडिया भी बैकफायर कर चुका है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। You read the Constitution of India, you will find, and many of my colleagues who have not read it should look at it, you will find that India is described as a union of states. जितनी आबादी उतना हक जैसी इलॉजिकल डिमांड्स को भी इलेक्शन का मुद्दा बनाना इनके लिए बिल्कुल काम नहीं करा। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे इलेक्शन वाले प्रॉमिस करना, जिसे खुद प्रो कांग्रेस इकोनॉमिस्ट भी एक बैड आइडिया बता चुके हैं। मैं तो नई पेंशन स्कीम के पक्ष में हूँ। वैसे स्टेट इलेक्शन में इन्होंने प्रॉमिस किया था, अब ये प्रॉमिस कर नहीं रहे, अपने मैनिफेस्टो में भी नहीं लिखा है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से कांग्रेस नेशनली बहुत ज्यादा श्रिंक होती चली गई है। मैंने कैंपेन में कहा था कि जनता मालिक है और जनता ने आज क्लियरली अपना डिसीजन दिया है। I'll advise them to give a decent retirement to Rahul Gandhi. और इतनी बुरी तरह से दो इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी सवाल उठाए गए थे, इसीलिए राहुल गांधी ने 2019 में कांग्रेस की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। लेकिन कांग्रेस कितनी फैमिली सेंट्रिक बन चुकी है इसका इससे बड़ा एग्जांपल नहीं मिलेगा कि राहुल के रिजिग्नेशन के बाद सोनिया गांधी को ही दोबारा इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। नेशनल इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2014 से अब तक कांग्रेस पार्टी में डिफेक्शन का रेट सबसे ज्यादा रहा है। कई स्टेट में अपनी गवर्नमेंट तक नहीं बचा पाए। टोटल 177 MPs और MLAs कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, हार्दिक पटेल जैसे बड़े बड़े लीडर्स भी अब कांग्रेस में रहना नहीं चाहते। और जो डिसेंटर्स अभी भी पार्टी में है, जो सवाल उठाते हैं, जिन्हें G23 कहा जाता है, इसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर ऐसे बड़े बड़े लीडर्स आते थे, ये भी एक के बाद एक साइडलाइन कर दिए गए या फिर इनमें से भी कुछ ने अब पार्टी को छोड़ दिया है। और जब फाइनली 2022 में पार्टी इलेक्शन हुए तो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेसिडेंट चुना गया, जो कि गांधी परिवार के काफी ज्यादा करीबी माने जाते। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस वॉलंटियर्स को आम आदमी से जोड़ने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसके कई जगह ने इलेक्टोरल बेनिफिट भी मिले और कांग्रेस ने कर्नाटका और तेलंगाना इलेक्शन जीतकर अपनी सरकार भी बनाई। राहुल गांधी हैज नेवर स्पेंट सो मेनी डेज कैंपेनिंग इन एनी स्टेट, इवन इन तेलंगाना इन प्रीवियस इलेक्शंस लाइक ही डिड दिस टाइम इन तेलंगाना, एंड हिज कनेक्ट, ही हैड अ रियल कनेक्ट। लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी के अगेंस्ट जितना कंसिस्टेंटली कैंपेन चलाया है, जिसकी वजह से उन्हें पप्पू की इमेज मिल चुकी है, इसने राहुल गांधी के एक नेशनल लीडर के तौर पर इमेज काफी खराब कर दी है। एटलीस्ट हिंदी बेल्ट में तो उन्हें एक सीरियस ऑपोजिशन की तरह कोई भी नहीं देख रहा है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। और इसको टैकल करने के लिए अभी भी कांग्रेस के पास कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी दिखाई नहीं देती, और जब ट्राई भी करते हैं तो बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट जाकर खुद ही सेल्फ गोल अचीव कर लेते हैं। अच्छा भला वहाँ पे अच्छा भला हमारे लड़के वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वहाँ पे पनौती हरवा दिया। लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के दिन पर राहुल गांधी इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज राहुल गांधी, क्योंकि शायद उनके अलावा आप कांग्रेस के 5 लीडर्स के भी नाम नहीं बता पाएंगे, जबकि उनका सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी और इवन आम आदमी पार्टी से, जो अपने आप को ज्यादा अच्छे से मार्केट कर पा रहे हैं। अपने मुद्दे वो लोगों तक पहुंचाने में कांग्रेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। Being my translator can be a very dangerous job. He is given the world's biggest defense contract. One has to realize that the decline of Congress is not a short-term phenomenon. Congress has not won India since 1984. Last Congress won India was 1984. After that, Congress has won 3 elections. Congress has been in government for 15 years, but all those governments were either coalition government or in minority government.
Congress has not been able to win post 1984. So why? Why? Because there has been a structural problem in the way Congress organizes itself, the way it functions as an organization, the way it reaches out to the public, the masses, the way it fights elections, the way they conduct and communicate largely. They conduct themselves and they communicate with the masses. Their engagement with public is not something which is very inspiring. बल्कि आम आदमी पार्टी तो जहां जहां कांग्रेस दिखती है उनके वोट काटने पहुंच जाती है क्योंकि उन्हें भी पता है कि कांग्रेस एक सॉफ्ट टारगेट बनकर रह गई है. उन्हें इलेक्शंस में हराना काफी ज्यादा आसान है. अभी पंजाब का एग्जाम्पल आपके सामने. इसीलिए मेरे हिसाब से कांग्रेस का फ्यूचर फिलहाल के लिए ज्यादा अच्छा नहीं दिखता. Unless Congress reincarnates itself, goes back to the drawing board and get out of this mindset that these things can be fixed with the short-term corrections, I don't think there is great hope for Congress in near term. Baki ye tha mera detailed video Congress ki history par. Aise aur videos dekhna chahte hain to channel ko subscribe kar le aur main milta hu aapse agle video mein. Tab tak ke liye apna dhyan rakhiyega. Jai Hind, Vande Mataram.